हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो का गांधी मैदान मेट्रो का लेटेस्ट अपडेट दिखाने के लिए आया हूं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये गांधी मैदान है और यहीं पर गांधी मैदान मेट्रो का जो है स्टेशन बन रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने भीड़ से भरा इलाका है फ्रेंड्स, और ये बैरिकेड हो चुका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, देखते हैं आगे वीडियो में कि क्या सब है, कितना आगे काम बढ़ा मेट्रो का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से पटना मेट्रो की तरफ से बोर्ड को बैरिकेड कर लिया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये मेट्रो की तरफ से पैदल चलने के लिए सीढ़ी पैदल चलने के लिए बैरिकेड किया गया है, ताकि पैदल यात्रियों को चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये जो बैरिकेड किया गया है, उसके बाद ये बोर्ड लगाया गया है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि पटना मेट्रो का गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन जो है काम में क्या प्रोग्रेस है, क्या लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है गेट जो है एसके मेमोरियल का गेट है फ्रेंड, और ये देख सकते हैं आप जो है बैरिकेड कर लिया गया है पटना मेट्रो की तरफ। और ये जो है गेट है, इसके अंदर अंडरग्राउंड का कार्य होगा सर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो ये है पटना मेट्रो का जो है अंडरग्राउंड का कार्य जो है स्टार्ट कर लिया गया है फ्रेंड्स, ये मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और ये देखिए सरिया का जो है काम, अंडरग्राउंड रैंप बनना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। ये पटना मेट्रो की तरफ से रैंप बनना शुरू हो गया है, जिसमें कि अंडरग्राउंड मशीन फिट होगा। यही वो जगह है फ्रेंड्स, जहां से अंडरग्राउंड मशीन फिट होगा और स्टेशन ट्रैक के लिए कटाई होने वाला है। यही मशीन है फ्रेंड, यही जगह है, और ये पूरी तरह से बैरिकेड कर लिया गया है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं ये जो है ये रैंप बनाया गया है, और बिल्डिंगों को जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको तोड़ा जा रहा है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये जो है पूरी तरह से बिल्डिंग जो है, जो जो इसके अंदर काम करने में दिक्कत आ रही थी, उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी तोड़ने का काम किया जा रहा है फ्रेंड्स, और इधर से स्टार्ट भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है रैंप का काम जो है स्टार्ट भी किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इसके मेमोरियल हॉल है फ्रेंड्स, और इधर भी पटना मेट्रो का जो है बैरिकेड कर लिया गया है। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस वीडियो में पूरी तरह से कार्य हो रहा है, और आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं लेबर जो है काम कर रहे हैं, और काम जो कर रहे हैं पूरी तरह से, ये जो है ये पूरी तरह से लेबर लगे हुए हैं, और प्रोग्रेस जो है तेज़ी से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिकेट का काम जो चल रहा है, ये देख सकते हैं फैब्रिकेशन का भी काम चल रहा है, इधर तेज़ी से चल रहा है फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स है, और इसको गेट पर छोड़ कर जो है ये पटना मेट्रो का जो है बैरिकेड कर लिया गया है, और काम को जो है काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। पटना मेट्रो की तरह गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन जो है पुलिस हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और ये चारों तरफ से बैरिकेड कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये पटना मेट्रो का जो है पूरी तरह से बोर्ड को जो है बैरिकेड कर लिया गया है, और इसके अंदर में भी काम जो है स्टार्टिंग कर दिया गया है, रोड को तोड़ा जा रहा है फ्रेंड्स। मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इस चारों तरफ से जो है ये काम को स्पीड से किया जा रहा है। जो भी काम में रुकावट है उसको जो स्टार्ट करने के लिए जो किया जा रहा है फ्रेंड्स, और जगह जगह से तोड़ा जा रहा है, और देख सकते हैं ये रोड का जो है तोड़कर ये बोर्ड को फिक्सिंग किया जा रहा है, बोर्ड बैरिकेड किया जा रहा है, और मशीन लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पटना मेट्रो का जो है गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन है वो काफ़ी तेज़ी से जो है काम जो है अपना कर रहा है, और देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो के। फ्रेंड, ये जो है मेन रोड है फ्रेंड, गांधी मैदान का जो है मेन रोड है, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पैदल चलने के लिए सीढ़ी जो है बैरिकेड किया गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये पटना मेट्रो की तरफ से बैरिकेड कर लिया गया है, और काम को जो है काफ़ी रफ्तार से किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मिले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।